हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एमसीयू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटमैन के ओरिजिन की कहानी है कि आखिर कैसे एक चोर जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है वो अचानक एकदम सुपर हीरो बन जाता है और ना सिर्फ लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को मुसीबतों से बचाता है। वैसे एंटमैन पर अब तक 3 मूवीज आ चुकी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत 1989 में शील्ड के हेडक्वार्टर से होती है जहां हम हॉवर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर को एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं और तभी वहां एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम डॉक्टर हैंक पिम होता है जो कि पिम पार्टिकल के इन्वेंटर होते हैं। अब ये पिम पार्टिकल चीज क्या है ये हमें मूवी के आगे पता चलेगी। डॉक्टर हैंक वहां बहुत ही गुस्से में आते हैं और आते ही शील्ड के ऑफिसर को मुंह में एक जोरदार घूंसा मारते हैं। दरअसल शील्ड ने उनके बनाए पिम पार्टिकल को कॉपी करने की कोशिश की थी और ये बात हैंक को पता चल गई थी। उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनकी किसी भी इन्वेंशन को चोरी करे और इसीलिए वो शील्ड से रिजाइन करके वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद मूवी का प्लॉट पूरे 26 साल आगे शिफ्ट होता है जहां हम स्कॉट लैंग नाम के एक आदमी को जेल में देखते हैं। दरअसल वो एक चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था। उसने एक ऐसी कंपनी में चोरी की थी जिसने कई सारे लोगों के पैसे चुराए थे जिस पर स्कॉट ने वापस उसी कंपनी में चोरी की और सभी को उनके पैसे वापस कर दिए जिसके बदले ना सिर्फ उसे जेल में बंद किया गया बल्कि उसके खुद के पैसे और घर को भी सीज कर लिया गया। और अब वो अपनी सजा काट कर जेल के बाहर आता है जहां बाहर उसका एक जिगरी दोस्त लूज उसे रिसीव करने आता है। अब कुछ दिनों बाद स्कॉट को एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है जहां उसे उसके पहले ही दिन जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके बॉस को यह पता चल चुका था कि स्कॉट अभी भी जेल से सजा काट कर आया है। अब इसके बाद हम डॉक्टर हैंक को एक कंपनी में जाते हुए देखते हैं जहां उन्हें उस कंपनी के सीईओ डॉक्टर डरेन ने बुलाया होता है। हैंक की बेटी होप भी उसी कंपनी में काम किया करती थी। अब कुछ देर बाद हम वहां शील्ड के कुछ ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो कि डॉक्टर डरेन के बुलाने पर वहां आए होते हैं। अब कुछ देर बाद डॉक्टर डरेन सभी गेस्ट को लेकर अपनी लैब में चला जाता है जहां उसने सभी ऑब्जेक्ट्स को छोटा करने का फॉर्मूला बना लिया होता है। इसके बाद वो उन सबको एक बहुत ही छोटा येलो सूट भी दिखाता है। ये सूट दरअसल दिखने में जितना ज्यादा छोटा था उससे भी कई ज्यादा पावरफुल था। इसे कॉम्बैट पर्पसेस के लिए बनाया गया था जिससे ये बुरे से बुरे सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर सकता था। ये बहुत ही एडवांस हथियारों से लैस भी होता है लेकिन अभी भी डरेन को इंसानों को छोटा करने का फॉर्मूला नहीं मिला था और इसीलिए वो किसी भी इंसान को सूट के अंदर नहीं भेज पा रहा था। इधर अगले सीन में हम स्कॉट को उसकी बेटी कैसी के बर्थडे पार्टी में देखते हैं लेकिन तभी उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका हस्बैंड पैक्सटन वहां जाते हैं। पैक्सटन एक पुलिस ऑफिसर होता है। दरअसल स्कॉट के चोर होने की वजह से दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका था और स्कॉट के पास पैसे ना होने की वजह से कोर्ट ने कैसी की कस्टडी उसकी एक्स वाइफ को दे दी। साथ ही साथ कोर्ट ने स्कॉट को कैसी की देखभाल करने के लिए खर्चा भी देने को कहा था और तभी वो अपनी बेटी से मिल सकता था लेकिन स्कॉट बिना कोई खर्चा दिया ही कैसे से मिलने आ गया था और इसलिए मैगी और पैक्सटन उसे वहां से बाहर जाने को कहते हैं जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्कॉट को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। स्कॉट उनके साथ मिलकर चोरी करने का प्लान करता है क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि पास के एक घर में एक तिजोरी है जिसमें ढेर सारा पैसा है और ये बात लुईस को उसके कजन ने बताई होती है। अब इसके बाद सभी चोरी करने चले जाते हैं। वहां पहुंचकर स्कॉट घर के अंदर जाता है जहां उसके सामने एक बहुत ही मजबूत तिजोरी होती है जिसे वो बड़े ही आसानी से तोड़कर अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाने पर उसे वहां कोई भी पैसे नहीं मिलते बल्कि उसे वहां एक सूट मिलता है जिसे वो मोटरसाइकिल का सूट समझ रहा था लेकिन ये कोई मामूली सूट नहीं था बल्कि ये तो एंटमैन का सूट था। लेकिन ये बात स्कॉट को नहीं पता थी। अब चूंकि वो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचा था इसलिए वो खाली हाथ नहीं लौटता और उस सूट को अपने साथ ले जाता है। इधर अगले सीन में हम डरेन को देखते हैं जो कि एक बकरी को छोटा बनाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो जाता है। अब इधर अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो ये सोचकर हैरान हो रहा था कि भला कोई मोटरसाइकिल के सूट को तिजोरी में क्यों रखेगा और इसी क्यूरियोसिटी में वो सूट को पहन लेता है। और अब जैसे ही वो बाथटब में जाकर अपने हाथ में लगे एक बटन को प्रेस करता है कि तभी अचानक वो बहुत ही छोटा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ स्कॉट का दोस्त वहां आकर पानी चालू कर देता है। दरअसल उसे ये नहीं पता होता कि स्कॉट बाथटब में है। और अब जैसे ही पानी टब में भरना शुरू होता है स्कॉट जैसे तैसे बचते बचाते टब से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद वो वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाता है जहां उसको एक चूहा मिलता है जो उसके पीछे पड़ जाता है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की के बाहर कूद जाता है और सीधे कार की छत पर जा गिरता है। और अब जैसे ही वो उस बटन को दोबारा प्रेस करता है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। वो अब उस सूट से इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उसे वापस उसी तिजोरी में रखने चला जाता है जहां से उसने इसे चोरी किया था। लेकिन अब जैसे ही वो सूट को तिजोरी में रखकर बाहर आता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और फिर उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। और तभी कुछ देर बाद वहां हैंक स्कॉट से मिलने आते हैं। दरअसल उन्होंने ही अपने घर में चोरी करवाई होती है। उन्होंने जानबूझकर स्कॉट तक तिजोरी की बात पहुंचाई थी ताकि वो सूट को चुरा सके। उन्होंने इस काम के लिए पैसे भी दिए होते हैं और स्कॉट जब उनके घर में चोरी कर रहा था तब वो उसे टीवी में देख भी रहे होते हैं। वो स्कॉट से काफी खुश होते हैं क्योंकि स्कॉट ने उनके एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। अब इसके बाद वो स्कॉट से अपने लिए काम करने को कहते हैं जिस पर अब स्कॉट बिना कोई सवाल किए इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को जेल में देखते हैं जहां कुछ चीटियां उसके पास एंटमैन का सूट लेकर आती है। इसके बाद वो सूट को पहनकर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो एक उड़ने वाली चीटी पर बैठ जाता है जिसे दरअसल डॉक्टर हैंक ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद वो चीटी स्कॉट को लेकर बहुत ऊपर चली जाती है जिससे स्कॉट अब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब जब उसकी आंख खुलती है तब वो डॉक्टर हैंक के घर में होता है और उसके सामने डॉक्टर हैंक की बेटी होप होती है। कुछ देर बाद हम स्कॉट को डॉक्टर हैंक के पास देखते हैं जहां वो उसे पिम पार्टिकल और सूट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। साथ ही साथ वो उसे डॉक्टर डरेन के सूट और उसके फॉर्मूले को तबाह
करने को भी कहते हैं। वो स्कॉट को बताते हैं कि किसी वक्त डॉक्टर डरेन मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन जब से उसे पिम पार्टिकल के बारे में पता चला उसने उस फॉर्मूले को जानने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, और अब जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने मुझसे हेल्प मांगी, पर मैंने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया, जिस वजह से उसने मेरी बेटी के साथ मिलकर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया और खुद सीईओ बन गया। दरअसल होप बचपन से अपने फादर से नफरत किया करती थी क्योंकि वो उन्हें अपनी मॉम की मौत के जिम्मेदार मानती थी, और इधर डॉक्टर हैंक ने भी उसे कभी सच्चाई नहीं बताई होती। इसके बाद वो स्कॉट से कहते हैं कि जब डॉक्टर डरेन ने उस येलो सूट को बनाया तब मेरी बेटी समझ गई कि वो जल्द ही छोटे होने वाले फॉर्मूले को भी बना लेगा और उसे गलत हाथों में दे देगा, जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, और इसीलिए अब वो मेरे पास वापस आ गई, और अब तुम्हें डॉक्टर डरेन के सूट और उसके फॉर्मूले को खत्म करना है। अब उनकी बातें सुनकर स्कॉट इस काम के लिए तैयार हो जाता है, और अब अगले ही पल से स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। होप उसे मार्शल आर्ट सिखाती है, साथ ही साथ उसे चींटियों को कंट्रोल करना भी सिखाती है, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रही होती क्योंकि वो खुद एंटमैन का सूट पहनना चाहती थी, लेकिन हैंक उसे ऐसा करने नहीं देते, जिस पर होप अब उनसे इसका रीजन पूछती है, जिस पर अब आखिरकार हैंक उसे पूरी सच्चाई बता ही देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी एक एंट वुमन थी, और जब तुम छोटी थी तो मैं और तुम्हारी मॉम एक मिशन पर गए थे। दरअसल एक आतंकवादी गुट ने रशिया का एटम बम चुराकर अमेरिका पर हमला कर दिया था, और मैं और तुम्हारी मॉम उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने गए थे, पर उस मिसाइल की बॉडी टाइटेनियम से बनी थी इसलिए हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, और अब मैंने सब एटॉमिक होकर उस मिसाइल के अंदर जाने का सोचा, लेकिन तभी मेरे सूट का रेगुलेटर खराब हो गया था, जिस वजह से अब ये काम तुम्हारी मॉम को करना पड़ा, और अब वो छोटी हो गई और सब एटॉमिक होकर उस मिसाइल के अंदर चली गई। उसने उस मिसाइल को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो क्वांटम फील्ड में हमेशा के लिए फंस गई। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद होप स्कॉट को दिल से ट्रेनिंग देने लगती है, और अब जल्द ही स्कॉट सब कुछ सीख जाता है, साथ ही साथ उसकी चीटियों से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब अगले सीन में हम स्कॉट को डॉक्टर हैंक के पास देखते हैं। वो उसे एक डिवाइस लाने को कहते हैं जिसका नाम सिग्नल डिकॉय होता है। वो उसे कहते हैं कि ये डिवाइस न्यूयॉर्क में स्टार्क के गोडाउन में रखी हुई है, और अब नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को प्लेन से जंप करते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से देखता है तो वहाँ कोई गोडाउन नहीं होता बल्कि स्टार्क का हेडक्वार्टर होता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर हैंक जल्दी से उसे वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन स्कॉट उनकी एक नहीं सुनता, और अब जैसे ही वो नीचे उतरता है तभी फैल्कन उसके सामने आ जाता है। वो स्कॉट को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, और इसके बाद स्कॉट उस डिवाइस को ढूंढते हुए हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है। इधर फैल्कन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और अब इसके बाद स्कॉट छोटा होकर फैल्कन के सूट में घुस जाता है और फिर उसका पूरा सूट तबाह कर देता है। अब अगले सीन में हम स्कॉट को डॉक्टर हैंक के सामने देखते हैं, जो उसकी बात ना मानने पर उसे डांट रहे होते हैं, क्योंकि स्कॉट अगर वहां पकड़ा जाता तो उनके सूट की टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती थी और स्कॉट की जान को भी खतरा हो सकता था। इधर डॉक्टर हैंक उसे डांट ही रहे होते हैं कि तभी स्कॉट उनके सामने उस डिवाइस को रख देता है, जिसे देखकर डॉक्टर हैंक काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद वो सूट के लिए दो डिवाइस बनाते हैं, जिसमें से एक चीजों को छोटा कर सकता था और दूसरा चीजों को बड़ा। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था क्योंकि उनके एंटमैन वाले सूट में कोई हथियार नहीं था, और ये उनके सूट की सबसे बड़ी कमी थी। अब इधर अगले सीन में हम डॉक्टर डरेन को देखते हैं, जिसने फाइनली इंसानों को छोटा करने का फॉर्मूला बना ही लिया था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका था कि डॉक्टर हैंक ने स्कॉट नाम के एक आदमी को उसके सूट को तबाह करने के लिए हायर किया है। उसे दरअसल ये बात स्टार्क के हेडक्वार्टर में हुई चोरी से पता चली थी, और इसलिए वो अपनी कंपनी की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर देता है, और ये बात वो होप को भी बता देता है। अब इसके बाद तीनों मिलकर उस कंपनी के अंदर जाने का नया प्लान बनाते हैं। स्कॉट अपने दोस्तों को बुलाकर सूट के बारे में सब कुछ बता देता है, ताकि वो सब मिलकर उसे कंपनी के अंदर जाने में हेल्प कर सके, और अब इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लुइस कंपनी में जाकर पानी का प्रेशर कम कर देता है, जिससे अब स्कॉट चीटियों के साथ पानी से होते हुए कंपनी के अंदर तक पहुंच जाता है। इधर होप भी अंदर जाकर उस सिग्नल डिवाइस को लगा देती है। दूसरी तरफ अब डॉक्टर हैंक भी वहां आ जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर डरेन होप और डॉक्टर हैंक को अपने साथ लैब में ले जाता है, जहां कुछ देर बाद शील्ड के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर डरेन ने उन्हें ये सूट बेच दिया होता है। इधर दूसरी तरफ अब स्कॉट चीटियों के साथ मिलकर पूरे सर्वर को बर्बाद कर देता है, और इसके बाद वो चीटियों से हर जगह बॉम्ब लगवा देता है, ताकि वहां मौजूद सभी डेटा के साथ साथ सूट बनाने के फॉर्मूले को भी खत्म किया जा सके। और अब इसके बाद स्कॉट जैसे ही उस येलो सूट को लेने के लिए छलांग लगाता है कि तभी वो सूट अचानक नीचे चला जाता है। दरअसल डॉक्टर डरेन ये पहले से जानता था कि स्कॉट इस सूट को लेने जरूर आएगा, और इसीलिए उसने पहले से उसे पकड़ने की तैयारी कर रखी थी। अब इसके बाद डॉक्टर डरेन डॉक्टर हैंक को मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन तभी स्कॉट बड़े होने वाले डिवाइस की हेल्प से ग्लास के बाहर आ जाता है। अब इसके बाद स्कॉट और होप मिलकर वहां मौजूद सभी लोगों की हालत खराब कर देते हैं। इधर लड़ाई के दौरान डॉक्टर हैंक के शोल्डर में गोली लग जाती है, जिससे वो सीधे जमीन में जाकर गिरते हैं। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर डरेन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने लगता है, और तभी वहां स्कॉट चीटियों की फौज लेकर उस पर अटैक कर देता है। इधर डरेन खुद को बचाने के लिए उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन एक एक करके वो अपने ही आदमी को मारने लगता है, और अब कुछ देर बाद वो अपना सूट पहनकर स्कॉट पर हमला कर देता है, जिसे अब देखते ही देखते हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब इसके बाद दोनों एक पूल में जाकर गिरते हैं, जहां से बाहर निकलने पर फिर से दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इधर मौका पाकर स्कॉट एक बैट से डॉक्टर डरेन को मारता है, जिससे वो मच्छर मारने वाली मशीन में जाकर फंस जाता है, और तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिनमें से एक बैक्सटन भी होता है। इसके बाद वो स्कॉट को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब उस मशीन से निकलकर डॉक्टर डरेन सीधे स्कॉट की बेटी के पास चला जाता है, और फिर उसे किडनैप कर लेता है। इधर ये बात बैक्सटन को भी पता चल जाती है, और इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी को घुमाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। इधर स्कॉट भी गाड़ी में ही होता है, इसलिए उसे भी कैसे की किडनैप होने की बात पता चल जाती है, और अब वो बिना टाइम वेस्ट किए छोटा होकर सीधे घर के अंदर चला जाता है। घर जाकर स्कॉट और डरेन के बीच जोरदार वाली फाइट होने लगती है। देखते ही देखते वहां की हर एक चीज तबाह होने लगती है, और तभी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट छोटा हो जाता है, और फिर डॉक्टर डरेन के सूट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चूंकि उसका सूट
टाइटेनियम से बना हुआ था, इसलिए वो इसे नहीं तोड़ पाता। और अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो खुद को छोटा करके सब एटम में बदल लेता है और फिर डेरेन के सूट में घुसकर उसे तोड़ने लगता है, जिससे वो और उसका सूट दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन इधर स्कॉट अब क्वांटम फील्ड में जाने लगता है। वो अपने हाथ में लगे बटन को दबाकर बड़े होने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो अब धीरे धीरे और भी छोटा होता चला जा रहा था। तभी अचानक उसे वहां कैसी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बड़े होने वाले डिवाइस को अपने रेगुलेटर में लगाकर उसे प्रेस करता है और अब देखते ही देखते वो क्वांटम फील्ड से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को डॉक्टर हैंक के सामने देखते हैं, जहां वो स्कॉट से पूछते हैं कि आखिर तुम क्वांटम फील्ड से बाहर कैसे आए, जिस पर वो उनको कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसे वहां की कोई भी बात याद नहीं होती। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम स्कॉट के दोस्त लुइस को देखते हैं, जिसे खबर मिली होती है कि एवेंजर्स का एक आदमी स्कॉट को ढूंढ रहा है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फाल्कन होता है। और अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर हैंक और उनकी बेटी को लैब में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी बेटी को एक हाईली एडवांस एंटवर्मेंट सूट दिखाते हैं, जो दरअसल डॉक्टर हैंक और उनकी वाइफ ने बनाया होता है। वो ये सूट होप को दे देते हैं। और अब इसके बाद हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम कैप्टन अमेरिका, बकी और फाल्कन को देखते हैं, जो मदद के लिए किसी को ढूंढ रहे होते हैं, जिस पर फाल्कन उनसे कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो हमारी हेल्प कर सकता है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कॉट यानी कि एंटमैन होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।